नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि भारत की तरफ से कई नॉटम वार्निंग जारी हुई थी, जिसमें दोस्तों कुछ बड़ी नॉटम वार्निंग जारी हुई थी और कुछ छोटे एरिया में। लेकिन दोस्तों जो छोटे एरिया में नॉटम वार्निंग जारी हुई थी वो तो कुछ पोस्टपोन हो गई, लेकिन दोस्तों जो बड़ी नॉटम वार्निंग जारी हुई थी, मैं बताया था 3400 किलोमीटर की रेंज में नॉटम वार्निंग जारी हुई है। दोस्तों उस नॉटम वार्निंग में मैंने भी उस वीडियो में बताया था कि भारत दो मिसाइलों का टेस्ट कर सकता है। पहला तो दोस्तों K5 मिसाइल और दोस्तों दूसरी है अग्नि सीरीज की मिसाइल। तो जी हाँ दोस्तों, भारत ने यहाँ पर दोनों में से एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। दोस्तों इसकी रेंज 4000 किलोमीटर बताई जा रही। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों दरअसल कल शाम 7:30 बजे खबर यह निकल कर आई है कि BDL और DRDO द्वारा एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट हुआ है जो चीन और पाकिस्तान को मुट्ठी में करने के लिए सक्षम है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे वह कौन सी मिसाइल है, तो मैं बता दूं दोस्तों वह मिसाइल है अग्नि 4 मिसाइल। दोस्तों अग्नि सीरीज की मिसाइलों के विषय में तो आप लोगों को पता ही होगा कि वह कितनी खतरनाक होती हैं। दोस्तों वह अपने निशाने को हिट करने में एकदम एक्टिव होती हैं। दोस्तों उन्हें अगर लॉन्च कर दिया जाए तो ये मानिए दोस्तों कि उन्हें रेडार भी नहीं पकड़ सकता, इसलिए दोस्तों वो अपने निशाने को हिट करने में सक्षम होती हैं। दोस्तों जान लेते हैं अग्नि 4 मिसाइल की कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ विशेषताएं। दोस्तों कल शाम 7:30 बजे DRDO और भारतीय आर्मी की ज्वाइंट टीम यानी कि BDL की तरफ से यह खबर निकल कर आई जो अग्नि 4 मिसाइल है उसका टेस्ट सफल हुआ है। दोस्तों अग्नि 4 मिसाइल जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर बताई जा रही है, दोस्तों यह मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों इस मिसाइल यानी अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट पहला जो हुआ था वो 2018 में हुआ था, और दोस्तों वह टेस्ट भी ओडिशा के चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर हुआ था। और ये टेस्ट हुआ है वह भी ओडिशा के आइलैंड पर, APJ अब्दुल कलाम का जो आइलैंड है उसी पर हुआ है। दोस्तों अगर इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वह 66 फीट है और इसका जो वजन है वह 17000 किलोग्राम है। और दोस्तों बताया भी जा रहा है कि यह अपने साथ 3 प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है, जिसमें शामिल है कन्वेंशनल वारहेड और दूसरा स्ट्रेटेजिक वारहेड, और जो दोस्तों तीसरा है वह है थर्मोबेरिक वारहेड। दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि दोस्तों इसे जो है मोबाइल लॉन्चर बनाया गया है। दोस्तों इसे कहीं भी मोबाइल से लॉन्च किया जा सकता है। सपोज दोस्तों अगर इसे चीन पे छोड़ना हो या पाकिस्तान पे छोड़ना हो तो दोस्तों इसको लॉन्च करने के बाद यह मिसाइल सीधे एक बारीक में 900 किलोमीटर तक ऊपर जाती है, उसके बाद अपने निशाने को हिट करती है। दोस्तों अगर सही रूप से देखा जाए तो भारत भी अपने आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को साकार करता नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत आए ना आए दिन किसी न किसी प्रकार के मिसाइल, बॉम्ब, फाइटर जेट, इन सभी चीजों का परीक्षण करता रहता है, जिससे कि दोस्तों चाइना भारत की एक मिसाइल का तोड़ निकाल नहीं पाता है कि भारत आए दिनों में कई प्रकार के और मिसाइलों का टेस्ट कर डालता है। दोस्तों भारत के इन्हीं कारनामों की वजह से चीन और पाकिस्तान भारत की आलोचना करता रहता है। दोस्तों इसमें जो 3 प्रकार के वारहेड लगे हुए हैं, पेंसियल, स्ट्रेटेजिक और थर्मोबेरिक, ये दोस्तों तीनों वारहेड इतने खतरनाक हैं कि अगर इसी मिसाइल में लॉन्च करके किसी देश पर छोड़ दिया जाए तो यह यकीन मानिए दोस्तों कि उस देश में तबाही का मंजर पूरे देश में फैल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो इसकी यानी कि दोस्तों इस मिसाइल की जो एक मूवमेंट है वो 900 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने पर नीचे की ओर आने की, दोस्तों इस मूवमेंट में अगर दुश्मन का कोई भी देश अगर आ गया तो यकीन मानिए दोस्तों वह ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो वह पूरे वेग के साथ नीचे गिरती है और नीचे गिरने के बाद ब्लास्ट होती है। हालांकि दोस्तों भारत के DRDO और BDL दोनों के लिए आप थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जय हिंद, जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो के।